नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में किया कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर का बचाव। चीन ने पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिश पर संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को समय सीमा से कुछ घंटे पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र की समिति से अनुरोध किया कि इसे रोका जाए। गौरतलब है कि यह समिति पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख पर पाबंदी पर विचार कर रही है। मसूद को बैन करने के लिए भारत ने यूएन से अपील की थी। 15 में से 14 देश भारत के समर्थन में थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के समर्थन में अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देश थे, सिर्फ चीन ने इसका विरोध किया। कोलकाता पुल हादसा मामले में IVRCL के 5 अधिकारी गिरफ्तार। कोलकाता में गुरुवार को धराशायी हुए एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर को बनाने वाली कंपनी IVRCL के 5 अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308 और 407 के तहत हैदराबाद की निर्माण कंपनी IVRCL के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कंपनी के स्थानीय कार्यालय को सील कर दिया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी ओर कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि यह एक हादसा है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई है, हमें इसका दुख है। गौरतलब है कि हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 88 लोग घायल हुए हैं। दमिश्क के दीर अल अबसीर में हवाई हमलों में 33 लोगों की मौत। सीरिया की राजधानी दमिश्क के दक्षिण पूर्वी जिले दीर अल अबसीर में हवाई हमले में 33 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश महिलाएं तथा बच्चे शामिल हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार यह हमला गुरुवार को किया गया और इसमें सीरियाई सेना के विमान शामिल थे। यह हमला महीने भर से चल रही लड़ाईबंदी के बावजूद किया गया, किंतु लड़ाईबंदी में इस्लामिक स्टेट तथा अल नुसरा फ्रंट को शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने हमले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। अमेरिका के वर्जीनिया में बस स्टेशन पर गोलीबारी, 3 लोग घायल। अमेरिका में वर्जीनिया प्रांत के बस स्टेशन पर खड़े लोगों पर शुक्रवार को एक अज्ञात हमलावर ने अचानक गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार वर्जीनिया के रिचमंड में हुई इस घटना में घायल हुए वर्जीनिया के 2 पुलिसकर्मी और 1 महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि हमला करने वाले व्यक्ति को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों ने 3 लोगों को मार डाला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जंगली हाथियों के दल ने 2 वन क्षेत्र में 3 लोगों की जान ले ली। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर भैयाथान थाना क्षेत्र में मतिगढ़ा गांव के अनिल बारगाह तथा अतन शाय पर गांव के पास जंगल में बिछड़ कर आए जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया। हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। दूसरी घटना पलमा गांव के महुआरी डांड की है, जहां राम सागर कंवर को हाथी ने मार डाला। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।